भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एल सफलता की नई इबारत लिखने को तैयार। आज श्री हरिकोटा से सुबह 11:50 पर होगा प्रक्षेपित सूर्य के आसपास और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का करेगा अध्ययन। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत दिल्ली पुलिस आज कर रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। अनेक यातायात प्रतिबंध रहेंगे लागू। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुभारंभ। 18 दिन में 68 जनसभाएं होंगी। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने जीता सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव। अपने प्रतिद्वंदी को करारी शिकस्त देते हुए 70% वोट के साथ जीत की दर्ज। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। श्रीलंका में कैंडी के पल्लिकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। जीत के साथ आगाज करना चाहेगा भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं आप सभी खबरों को विस्तार से। तो चांद पर सफलता की इबारत लिखने के बाद अब एक और मिशन सामने आया है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलता की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। सौर मिशन आदित्य L1 का आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा। सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 सात पेलोड्स के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित होगा जो पृथ्वी से लगभग 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 सूर्य के वातावरण और सौर वायु का अध्ययन करेगा। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप और अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा। तो इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चंद्रयान 3 के बाद भारत अब सूरज की ओर देख रहा है। इसरो अब अपने नए मिशन के तहत सूर्य के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने की कोशिशों में लगा हुआ है। भारत के आदित्य L1 मिशन में कुल 7 पेलोड हैं, जो सूर्य के भीतर लगातार चल रही गतिविधियों का अध्ययन करेगा और हर दिन 1400 से ज्यादा तस्वीरें भी भेजेगा। आदित्य मिशन को सूर्य की कक्षा में पहुंचने के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा। काउंटडाउन फॉर PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन इज स्टार्टिंग, देन इट विल टेक ऑलमोस्ट एन आवर फॉर द सैटेलाइट टू रीच द रिक्वायर्ड लोकेशन एंड इंजेक्ट। सो द आदित्य L1 सैटेलाइट इज फॉर स्टडीइंग आवर सन एंड इट विल टेक 125 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम अर्थ टू रीच द point where the satellite will look at sun called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again, very important launch, successful. ये भारत का पहला सौर मिशन है। सौर मिशन का प्रक्षेपण 2 सितंबर 11:50 पर श्रीहरिकोटा से किया जा रहा है। इसे PSLV C-57 लॉन्चर पर लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को सूर्य की सबसे बाहरी परत के अवलोकन के लिए तैयार किया गया है। आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरज तक की यात्रा लैग्रेंज बिंदु के जरिए करेगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य सूरज की ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिविधियों का अध्ययन करना है। साथ ही कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप का भी अध्ययन किया जाएगा। ये मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेब बैंड में फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना पर रिसर्च करने में सूर्य की मदद करेंगे। आदित्य L1 सौर मिशन प्रमुख उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडलीय गतिकी का अध्ययन करना, कोरोनल तापन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा। इसमें 7 पेलोड लगे हैं, जो सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेंगे।
सूर्य के कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप का भी अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 से हम दूसरे गैलेक्सी के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आदित्य L1 के डाटा भविष्य में हमारे अन्य सौर मिशन के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। सूर्य और उसके अस्तित्व के बारे में मानव मन की जिज्ञासाओं को शांत करने में इसरो इस मिशन पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं अगर इस पर लगने वाले समय की बात करें तो आदित्य L1 को दिसंबर 2019 से बनाने पर काम चल रहा था। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूर्य पर मिशन भेज चुके हैं। मिशन भेजने वाले देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं। इन्होंने अब तक 22 बार सूरज तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, लेकिन महज एक बार ही वहां के सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। हालांकि ये सैंपल भी सूरज नहीं बल्कि उसके बेहद दूर चक्कर लगाते समय राह में आई सौर हवाओं के थे। सूरज पर सबसे पहला मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने भेजा था। ये मिशन साल 1960 में लॉन्च किया गया पायनियर 5 था। इसके बाद से अब तक NASA ने ही सूरज पर सबसे ज्यादा मिशन भेजे हैं। सूरज की तरफ भेजे गए मिशन में से 14 मिशन अकेले NASA के रहे हैं, जबकि उसने जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भी 5 मिशन लॉन्च किए हैं। सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्ध्य में विकिरण या प्रकाश छोड़ता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी ही कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंग दैर्ध्य विकिरणों को रोकती है, और ये विकिरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों आदि के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। इसलिए ये मिशन इन्हीं सब विषयों को केंद्र में रखते हुए सौर ऊर्जा के बारे में भी अध्ययन करेगा। चूंकि कई विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए पृथ्वी के उपकरण ऐसे विकिरण का पता नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से इन विकिरणों पर आधारित सौर अध्ययन भी नहीं किए जा सकते। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष से अवलोकन करके किए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक सवाल उठता है कि सूर्य से निकलने वाले वायु के कण और चुंबकीय क्षेत्र ग्रहों के बीच अंतरिक्ष से कैसे यात्रा करते हैं। इसे समझने के लिए एक ऐसे बिंदु से अध्ययन किया जाना चाहिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बहुत दूर है। सूर्य का अध्ययन आखिर क्यों है जरूरी? सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्ध्य में विकिरण या प्रकाश छोड़ता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी कई हानिकारक तरंग दैर्ध्य विकिरणों को रोकती है, जिसके चलते अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान टीम सदस्य प्रोफेसर जगदेव सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करेगा। ये भारत का अनूठा मिशन है। This is a unique mission. Though other two missions were flown like Soho and other things by this European Space Agency and NASA, this we are going very close to the sun, 1.02 or not like that. That's how this mission is very unique. और वहीं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान टीम सदस्य डॉक्टर मुथु प्रियाल ने कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वातावरण, कॉमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करना है। The visible emission line coronagraph is meant to observe the solar corona, that is the outermost layer of the sun. And the uniqueness of this VLC is we are going to measure the solar corona from the lowermost boundary, that is from 1.05 solar radii. That is the main uniqueness of this Aditya. L1 is a point, it's an orbit, which is in between the sun and earth, where the gravitational pull will be balanced. So the orbit, in that orbit satellite will be placed. It will observe, stay in that orbit, and it will observe the sun for 24 hours without any obstructions of our day and night. वहीं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान टीम के एक और सदस्य रामानुजम निरुज मोहन ने कहा कि इस मिशन के द्वारा सूर्य के डेटा के बारे में हमें पता चल पाएगा। The reaching L1, we are the third agency to reach that L1 orbit after this ESA and USA, NASA, ESA and NASA. ISRO is the third party, the third space agency to reach that point. Main science objective mission is to understand the solar corona. Okay, so we are going 1% closer to the sun, which takes about 108 days to reach that intended L1 orbit. From there,
we are having a continuous view of sun 24 hours. It is not, there is no day, there is no night there actually. All 24 hours it is seeing the sun, instrument is seeing sun and it is getting the data. और वहीं इसी टीम के एक दूसरे सदस्य एस कथिरावन ने कहा कि इस मिशन के द्वारा लोगों के बीच विज्ञान के बारे में रुचि अब और अधिक बढ़ जाएगी. Such missions are great for us. We really want to, we love these kind of missions because the students and the general public, they are naturally interested. The interest is builds up towards the mission and we want to use that to promote science, scientific temper, scientific thinking and interest in astronomy among the students. तो चांद पर रखे हैं कदम और अब सूरज को मुट्ठी में करने की बारी है, लेकिन वक्त फिलहाल खबरों में एक छोटे से ब्रेक का है. दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं. बच्चों मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है. ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि. अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए. हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए. मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं. ये दृढ़ संकल्प हमारा है, भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है. अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है. थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है. रुक करते हैं अन्य खबरों का. भारत का मिशन चंद्रयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. चंद्रयान 3 पर सरकार ने महाक्विज का ऐलान किया है जिसमें भाग लेकर आकर्षक इनाम जीते जा सकते हैं. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के कार्यालय ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आप कितना जानते हैं. चंद्रयान 3 महाक्विज में भाग लेकर अपनी जानकारी को परखें और आकर्षक नगद राशि जीते. विजिट करें myGOV.IN/चंद्रयान3. प्रधानमंत्री ने वैश्विक वित्त केंद्रीय बैंक रिपोर्ट का 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ श्रेणी में रखे जाने पर बधाई दी है. शक्तिकांत दास को A+ श्रेणी में रखे गए 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है. प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के लिए गौरव का क्षण है, ये वैश्विक स्तर पर भारत के लिए वित्तीय जो उसका नेतृत्व है उसको दर्शाता है. उनकी निष्ठा और दृष्टिकोण देश को तरक्की की राह पर ले जाने में मजबूती देगा. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक वित्तीय केंद्रीय बैंक रिपोर्ट का 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ श्रेणी में रखे जाने पर बधाई दी. शक्तिकांत दास को A+ श्रेणी में रखे गए 3 केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की सूची में पहले स्थान पर जगह दी गई. वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि वैश्विक वित्तीय केंद्रीय बैंक रिपोर्ट का 2023 में A+ रेटिंग दिए जाने पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को बधाई. केंद्रीय बैंक आपकी अगुवाई में कई परीक्षाओं और चुनौतियों पर खरा उतरा है, बधाई. और अब बात G20 की. तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. एक फाइनल रिव्यू करने के लिए आज और कल दिल्ली में VIP अतिथियों के काफिले की गाड़ियों के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा. इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा. इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के ठीक वैसे ही इंतजाम किए जाएंगे जैसे G20 समिट के दौरान 8 से 10 सितंबर के बीच VIP मूवमेंट के वक्त होते हैं. रिहर्सल के चलते नई दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोकी जाएगी. इसके अलावा DTC और क्लस्टर बसों के रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे. साउथ दिल्ली के भी कुछ रास्तों पर असर पड़ेगा. इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि रिहर्सल के मद्देनज़र असुविधा से बचने के लिए वो मेट्रो का इस्तेमाल करें और जिन रास्तों पर जिस समय रिहर्सल होगी उस समय सीमा के दौरान उन रास्तों से बचकर निकले. रिहर्सल का समय आज सुबह 8:30 से दोपहर 12:00, शाम 4:30 से 6:00 और शाम 7:00 से रात 11:00 तक रहेगा.
तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां और जिज्ञासा हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। हालांकि प्रतिनिधिमंडल शिखर सम्मेलन के दौरान राजघाट, NGMA, जयपुर हाउस, ARI, पूसा का भी दौरा होगा। 7 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में कुछ यातायात नियमन हो सकते हैं। पूरी दिल्ली में सभी मेडिकल दुकानें, किराने की दुकानें, दूध के बूथ, सब्जी और फल की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स को नियंत्रित क्षेत्र में अपने निजी वाहनों के साथ सरकारी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। नई दिल्ली में होटल्स, अस्पताल जो हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए हाउस कीपिंग, खान पान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित जो वाहन हैं उनके सत्यापन के बाद आवागमन की अनुमति होगी। यानी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लगातार ये कहा जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई है। और साथ ही साथ ट्रैफिक अपडेट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट या फिर जो आधिकारिक दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। कई लोगों में ये भ्रांति है कि क्या इस दौरान लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, तो हम आपको इस मंच के माध्यम से भी ये साफ और स्पष्ट कर दें कि ऐसा नहीं है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई। इसके अलावा विशेष रूप से 9 और 10 सितंबर को कुछ प्रतिबंध होंगे, जिनके तहत 9 की शाम 5 बजे से 10 की रात 12 बजे तक किसी भी ऑटो या फिर टैक्सी को नई दिल्ली में आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। तो भारत में आयोजित की गई G20 बैठकों में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित राष्ट्रों का एक साथ आकर व्यापक पैमाने पर उत्साहपूर्ण भागीदारी करना वास्तव में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत समकालीन वैश्विक चुनौतियों को सामूहिक रूप से हल करने का एक प्रमाण है। देखिए रिपोर्ट। भारत द्वारा आयोजित की जा रही G20 बैठकों में G20 सदस्य देशों तथा आमंत्रित राष्ट्रों का एक साथ आकर व्यापक पैमाने पर उत्साहपूर्ण भागीदारी करना वास्तव में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत समकालीन वैश्विक चुनौतियों को सामूहिक रूप से हल करने का एक प्रमाण है। संयुक्त अरब अमीरात के एक प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस के पेरिस में G20 देशों के वित्त कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। यह बैठक 30 और 31 मार्च को आयोजित की गई थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था कार्यकारी समूह की वर्ष 2023 की कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण और वित्तीय स्थिरता और समर्थन पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। G20 शेरपाओं की दूसरी बैठक केरल के कोट्टायम जिले में कुमारकोम के सुरम्य बैक वाटर की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। इस बैठक में G20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शेरपाओं ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा निर्माण के लिए आंकड़े, डिजिटल स्वास्थ्य और महामारी के लिए तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित विभिन्न कार्रवाई योग्य कदमों पर टिप्पणी की और आगे का रास्ता सुझाया। We need to make sure that the world is a much better place for everyone, including the global south. भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की इस साल 1 से 3 अप्रैल तक
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित हुई। केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी ने ऐलान किया कि 2047 तक भारत को 1,00,000 करोड़ डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है। नई नीति देश में पर्यटन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदारी पूर्ण विकास के लिए एक समग्र रूपरेखा है और इसका उद्देश्य देश में पर्यटन के विकास से जुड़े ढांचे में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों को समर्थन देना और पर्यटन को मजबूत बनाना है। इंडिया एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन वी मस्ट डेवलप एडवेंचर टूरिज्म इन द कंट्री। इट कैन बी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडिया टूरिज्म सेक्टर ड्यूरिंग द अमृत काल। G20 की भारत की अध्यक्षता में ऊर्जा वितरण कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। बैठक में ऊर्जा के प्राथमिक क्षेत्रों पर गहन विमर्श किया। इस अवसर पर आयुष तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपरा ने स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने और इसे सस्ता बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर बल दिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का आज से शुभारंभ होगा। पहली परिवर्तन यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं कुछ किलोमीटर रथ पर सवार होकर यात्रा में भी भाग लेंगे। यात्रा के शुभारंभ से पहले नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। परिवर्तन यात्रा 4 दिशाओं से अलग अलग तारीख को शुरू होगी। ये परिवर्तन यात्रा 1,854 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें 18 दिन का समय लगेगा। साथ ही 47 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन यात्रा गुजरेगी और इस पूरे 18 दिन में 68 जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। 19 सितंबर जयपुर ये पहुंचेगी, जहाँ विशाल जनसभा का आयोजन होगा। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह आज रायपुर में साइंस कॉलेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता की ओर से आरोप पत्र पेश करेंगे। करीब एक महीने पहले आरोप पत्र समिति ने शाह को आरोपों का पुलिंदा सौंपा था। माना जा रहा है कि आरोप पत्र में कथित शराब घोटाला, कोल घोटाला, CGPSC घोटाला, गोठान घोटाला, ईडी की कार्रवाई, सट्टे की कार्रवाई, महादेव ऐप, कानून व्यवस्था, धान का सियासी गणित, आरक्षण आदि शामिल हैं। इसके सहारे बीजेपी भूपेश सरकार को घेरने की रणनीति पर तैयारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री आरोप पत्र जारी करने के बाद महासमुंद जिले के खैरमाल, अर्जुनदा, सराईपाली के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर जनजातियों की ओर से शाह का स्वागत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से आदिवासी वोटर्स को भी साधने की तैयारी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के ग्राहकों की संख्या 6 करोड़ को पार कर गई। वहीं कुल संपत्ति प्रबंधन 10,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 25 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार का AUM 2,40,902 रुपए था। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए 42,246 रुपए था। राज्य सरकारों के मामले में 4,36,071 रुपए था, जबकि राज्य स्वायत्त निकायों के लिए 63,133 रुपए, कॉरपोरेट्स के लिए ये 1,35,218 रुपए था। सभी नागरिक मॉडल के लिए AUM 47,663 रुपए था। NPS लाइट के लिए ये 5,157 रुपए, अटल पेंशन योजना के लिए AUM 30,051 रुपए। वहीं NPS को 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद जो केंद्र सरकार की सेवाएं हैं उसमें शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर इसे लागू किया गया। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS भी अधिसूचित कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतापगढ़ की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने एक्स पर कहा कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है और इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। मुख्यमंत्री और मंत्री गुटिये झगड़ों को निपटने में व्यस्त हैं और बचा हुआ समय दिल्ली में एक राजवंश को खुद
खुश करने में व्यतीत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। राजस्थान की जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से वहां से आए दिन महिलाओं की आबरू को तार तार किया जा रहा है और इन घटनाओं पर प्रशासन आग बंद कर बैठा है और राज्य सरकार की संवेदनहीनता और लापरवाही सामने आ रही है। प्रतापगढ़ मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर का, ईडी और सीबीआई द्वारा जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश कोयल के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीबीआई ने मई में नरेश कोयल पर केस दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने जांच आगे बढ़ाई थी। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया था कि कैनरा बैंक के अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष नरेश कोयल और कुछ अन्य लोग धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात के मामलों में लिप्त थे, जिससे कैनरा बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ था। जेट एयरवेज भारी कर्जे में डूबी हुई थी। 25 सालों के संचालन के बाद अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज बंद हो गई। नरेश कोयल पर अप्रत्यक्ष रूप से विदेश में कई कंपनियों पर नियंत्रण रखने का आरोप भी है। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई कि नरेश कोयल ने टैक्स बचाने के लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच कई संदिग्ध लेन देन किए, देश के बाहर भी फंडिंग की। नरेश गोयल को आज मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी अदालत से उनकी कस्टडी की मांग करेगी। रुख असम का, जहां बाढ़ की स्थिति अब गंभीर बनी हुई है, क्योंकि राज्य के लगभग 18 जिलों में 3,20,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। कामरूप, मोरीगांव और दरांग सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। धुबरी, गोलपारा, गुवाहाटी, तेजपुर और नेमाटीघाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। 45 राजस्व क्षेत्रों के 800 से अधिक गांव बाढ़ के पानी में डूब गए और 23,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की फसल को नुकसान पहुंचा। बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा के लिए 7 राहत शिविर और 89 राहत वितरण केंद्र खोले गए। उसके साथ ही एसटीआरएफ और स्थानीय प्रशासन टीम भी मुस्तैदी से तैनात है। प्रशासन ने कल 28 नाव के माध्यम से 130 लोगों को निकाला और क्षेत्र में आज भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच के लिए दोनों टीमें तैयार नजर आ रही हैं। एशिया कप ने दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का आयोजन कैंडी में होना है। भारत का इरादा जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज करने पर होगा। वहीं पहले मैच में नेपाल को हराने वाली पाकिस्तान की टीम जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।